आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई ने भारत को अपने गेहूं का निर्यात बढ़ाने का दुर्लभ मौका दे दिया है। दुनिया में गेहूं के कुल निर्यात में रूस और यूक्रेन की हिस्सेदारी 30% है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच चल रही लड़ाई के कारण दुनिया में गेहूं की कीमत में भारी बढ़ोतरी हुई है और यह घरेलू न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर जा चुकी है। कई देशों ने इसके लिए भारत से संपर्क भी किया है, साथ ही सरकार भी गेहूं के निर्यात को बढ़ाने के लिए परंपरागत बाजारों से संभावनाएं खोज रही है। भारत के पास गेहूं का विशाल भंडार है। सूत्रों के मुताबिक मिस्र, इजराइल, ओमान, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका ने गेहूं की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भारत से संपर्क साधा है। रूस यूक्रेन की लड़ाई से दुनिया में खाद्यान्न संकट खड़ा हो सकता है। भारत ने साथ ही उन देशों से भी संपर्क साधा है जो भारत से गेहूँ नहीं खरीदते हैं। इनमें तुर्की, अजरबैजान, सूडान, मोरक्को, ट्यूनीशिया और लेबनान शामिल हैं। सरकार साथ ही गेहूं के निर्यात से जुड़ी अड़चनों को दूर करने के प्रयास भी कर रही है। इनमें बंदरगाहों और रेलवे से जुड़ी लॉजिस्टिक्स की समस्याएं शामिल हैं। साथ ही फसल को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बताया जा रहा है। गेहूँ के निर्यात में बड़ी मांग को पूरा करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री भी रेलवे और पोर्ट अथॉरिटीज के साथ बात कर रही है। अधिकारियों के मुताबिक मिस्र, इजराइल, ओमान, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका ने भारत से गेहूं आयात के लिए ऑर्डर दिए हैं। भारत दुनिया में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। 2020 में दुनिया के कुल गेहूं उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 14% से अधिक की रही थी, लेकिन दुनिया में गेहूँ के कुल निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1% से भी कम है। 2020-21 में भारत ने यमन, अफगानिस्तान, कतर और इंडोनेशिया जैसे नए बाजार अपने साथ जोड़े थे। मिस्र उन देशों में शामिल है जो रूस और यूक्रेन से बड़ी मात्रा में गेहूं का आयात करता है। भारत ने वित्त वर्ष 2023 में करीब 1 करोड़ टन गेहूं के निर्यात का लक्ष्य रखा है। इस साल भारत अब तक 66 लाख टन गेहूं का निर्यात कर चुका है, जो 2020-21 की तुलना में 3 गुना अधिक है। 2020-21 में भारत ने 21.5 लाख टन गेहूं का निर्यात किया था। अधिकारियों ने कहा कि इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि देश से अच्छी क्वालिटी का गेहूं निर्यात हो, ताकि लंबे समय तक इन देशों को गेहूं का निर्यात किया जा सके। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि माल ढुलाई की ऊंची दर और शिपिंग कंटेनर्स की कमी भारत के प्रयासों में अड़चन पैदा कर रही ही है। अगर इन समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो वित्त वर्ष 2023 में भारत लक्ष्य से चूक सकता है और करीब 80 लाख टन गेहूं की ही निर्यात किया जा सकेगा। फिर 2016 से 2020 के बीच भारत से गेहूं का निर्यात बढ़ा है। 2016 में यह 0.14% था, जो कि 2020 में बढ़कर 0.54% हो गया था। देश में सालाना 10.759 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होता है। इसमें से बड़ा हिस्सा घरेलू खपत में चला जाता है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक भारत से सबसे ज्यादा निर्यात बांग्लादेश को होता है। भारत के कुल निर्यात में बांग्लादेश की हिस्सेदारी 54% से अधिक है। बांग्लादेश के अलावा नेपाल, UAE, श्रीलंका, यमन, अफगानिस्तान, कतर, इंडोनेशिया, ओमान और मलेशिया भी भारत से गेहूं मंगवाते हैं। भारत से मक्के का निर्यात भी इस वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।